हम लोग बेहद खुश हैं इस बात को लेकर, क्योंकि बहुत चिंता का विषय था। आप आइडेंटिफाई करके एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं लोगों को, ये तो फिर से अनटचेबिलिटी पे हमारा देश जा रहा था। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं दिल से हमारे उच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा खुद का क्षेत्र वहाँ पर लगता है, तो ये जो फैसला है इसका हम स्वागत करते हैं और दिल से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कह रहा था कि विपक्ष इस पर राजनीति ना करे, ये तो हम अर्थव्यवस्था के लिए कर रहे हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के लिए हमें और भी बहुत सारे तरीके हैं और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ गया। ये बौखलाहट है बीजेपी को, जिस तरीके से हार उत्तर प्रदेश में मिली है उसी के बाद वापस भेदभाव वाली अपनी राजनीति पर ये सरकार आ गई है, और ये सिर्फ इनकी बौखलाहट है, इसमें अर्थव्यवस्था का कोई मामला है ही नहीं। हाँ देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली को लखनऊ रास नहीं आ रही और उसके तहत बहुत सी राजनीति हमारे प्रदेश में चल रही है, तो अभी ये तो देखने को मिलेगा कि क्या होगा। हम यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनसे मिले हैं और उनकी जो जायज मांगे हैं उन्होंने सभी विपक्ष की पार्टियों के समक्ष रखी है, और हम लोगों की यही कोशिश रहेगी कि इकट्ठे होकर हम पार्लियामेंट में किसानों को इंसाफ दिला सके और जो उनकी डिमांड है MSP की गारंटी की उसके लिए हम सरकार को मजबूर कर सके। किसानों की एक मांग है कि प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, तो क्या पार्टी की तरफ से आपको कुछ ऐसा मिला है या कुछ ऐसा? देखिए, ये एक कलेक्टिव एफर्ट होगा पूरे विपक्ष की तरफ से, तो अभी इस पर जैसी भी भूमिका बनेगी उसके हिसाब से हम सभी लोग चलेंगे, लेकिन सब लोग साथ हैं। प्राइवेट मेंबर बिल आता है किसी और पार्टी के माध्यम से भी अगर आता है या हमारी पार्टी भी लाती है, ये अभी क्योंकि आज पहली बैठक थी तो इसमें अभी तय होने में वक्त लगेगा। बिल्कुल, बेहद बहुत बड़ा अन्याय है, और सरकार जो है चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे अपने मैनिफेस्टो में करती है, लेकिन जब बात पूरी करने की आती है तो इसी तरीके से जो किसान है उन्हें ठगा जाता है, और इसमें कोई इतना बड़ा तिजोरी या खजाना किसान नहीं मांग रहे हैं, अपनी MSP की गारंटी मांग रहे हैं, और इसी से एक किसान के घर का पालन पोषण होता है। हमारे यहाँ पर भी कई मिल हैं जहाँ पर लगातार पेमेंट भी नहीं 14 दिन की हो पाती है, और सरकार ने यहाँ तक कहा था कि अगर 14 दिन की पेमेंट ना हो पाए तो उस पर भी ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन ना ब्याज मिलता है, ना पेमेंट मिलती है, ना गारंटी मिलती है। तो जिस तरीके से सरकार इस देश की रीढ़ की हड्डी होने वाले किसानों को तोड़ रही है वो सबके सामने है, और विपक्ष की यही कोशिश है कि किसानों का मुद्दा हमेशा उठा रहे। जब भी MSP की गारंटी की बात किया, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं किसानों। देखिए, सम्मान की तो बात यह है कि अभी जो लागत है वो भी पूरी नहीं हो पाती है, तो क्योंकि किसानों का मजबूरी है कि वो अपनी फसल को रोक नहीं सकते, उन्हें देनी ही पड़ती है, इसी वजह से किसान इतने मजबूर हो जाते हैं। नहीं तो सरकार ने जब 60 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के लोन माफ किए हैं, तो अगर वो किसानों का भी कर्जा माफ करे या उन्हें उनकी जो आय है वो दुगनी कर दे तो ये सरकार आसानी से कर सकती है। ये बस नीयत की बात है, और सरकार की नीयत में खोट है, ये सरकार किसान विरोधी है और सिर्फ उद्योगपतियों की है, और ये उदाहरण दे देकर उन्होंने कई बार जताया। जी बिल्कुल, देखिए, मैं जो मेरा क्षेत्र है वो किसान वहाँ पर बहुल्य है वहाँ पर, और गन्ना बेल्ट है, मेरे खुद के घर में खेती होती है, तो हम अच्छी तरीके से समझते हैं किसानों की पीड़ा को, और किसानों को सरकार के अलावा कोई और उनका संरक्षण नहीं कर सकता, तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी से अब मुंह नहीं फेरना चाहिए और ये जिम्मेदारी समझकर किसानों का संरक्षण करना चाहिए।